हेलो एवरीवन कैसे हो प्यारे बच्चों वेलकम बैक टू अनदर सेशन और आज के सेशन में क्या होने वाला है आज हम करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का वीकली टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2021 तो चैप्टर के बीच बीच में ऐसे रैंडम टेस्ट्स भी होते रहेंगे ऑन मेंटी है ना तो आज मेंटी पे चेक करेंगे कितने लोगों ने चैप्टर रिवाइज कर लिया है ओके okay? कैसे हो आप सब लोग बच्चों ऑल गुड एवरी एक बार मुझे बता दीजिए चैट बॉक्स में येस yes. ओके एंड सब लोग ज्वाइन कर लेंगे बच्चों मिंटी को दिस इज द कोड फॉर दैट वन फोर डबल फाइव टू एट सो वी विल बी हां जी कैसे हैं आप सब लोग बच्चों मस्त हैं क्या बात है बहुत बढ़िया यार आई एम ऑल्सो गुड थैंक्स फॉर आस्किंग ओके आई एम गुड बहुत बढ़िया चलिए तो ज्वाइन करते जाओ बच्चों है ना मेंटी ओके तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो मैं आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दे देता हूं सो so, बच्चों वेदांतु नीट मेडिजी चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप किसका वेट कर रहे हो फटाफट इसको सब्सक्राइब करो देश का नंबर वन चैनल बन चुका है नीट के लिए एंड ऑल्सो हिट द बेलाइकन एंड ऑल्सो क्लिक ऑन ऑल ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जो लोग अभी लेट आए हैं या जिनको कोड नहीं पता है देखो कोड ऊपर भी लिखा हुआ है ऑन योर स्क्रीन वन फोर डबल फाइव टू एट इज द कोड ओके सो ऑल्सो आवर टेक टीम हैज पोस्टेड द कोड ऑन द चैट बॉक्स आप वहां से भी देख सकते हो चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एंड टेलीग्राम ग्रुप पे यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस अबाउट द सेशंस है ना सो so, जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप पे जाके अभी अगर मैं नोटिफिकेशन डालता हूं इफ यू आर देयर ऑन द टेलीग्राम ग्रुप यू विल गेट द नोटिफिकेशन राइट अवे ओके तो चलिए मैं आपको एक बार नोटिफिकेशन डाल के यहां पे दिखाता हूं हे क्लास ऑफ 2021, ट्वेंटी वन वी आर डूइंग वीकली टेस्ट ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी सेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन मेंटी ज्वाइन सून सी यू ऑल इन द क्लास तो ऐसे नोटिफिकेशन चली जाती है देखो लाइव डेमो दे दिया मैंने आपको है ना

You will be getting this course only at 3999. Okay. So batch has started from 15th of June. And this is the most awaited thing for the students of 2020. The neat test series. Subko is ka only at a nominal price of 1399. This has been launched. You can use the coupon code GG test here to get this discount. Otherwise, the price is uh, नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइन नाइनटी नाइन राइट सो यू कैन गेट द ह्यूज डिस्काउंट इफ़ यू यूज दिस कोपन कोड सो प्लीज डू दैट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड ऑफ द जून दिस इज द स्केड्यूल फॉर टुडे सो गरिमा मैम के दो सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं माय सेशन इज गोइंग ऑन राइट नाउ देन यू हैव कोमल मैम सेशन एट फाइव और दो सेशन्स हैं अरविंद सर के Today the 2021 वेल तो केमिस्ट्री भी आपका शुरू हो रहा है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री पार्ट वन टुडे बच्चों तो बी प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल यू कैन सी राइट नाइन थर्टी सो ये बिल्कुल सभी को बता दो कि इवन द केमिस्ट्री इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे राइट चलिए नोटिफिकेशन नहीं आया टेलीग्राम पे अरे अभी मैंने डाला है देखो है ना अभी अभी मैंने एक ऑडियो मैसेज डाल दिया है ऑल्सो आई विल पुट द सेशन राइट नाव डोंट वरी है ना अभी रख देते हैं टेलीग्राम पे चलिए फटाफट फड़ ज्वाइन कर लीजिए बच्चों आज आपका होने वाला है टेस्ट लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्कोर वेल हियर एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव बेसिकली चलिए बच्चों तो देखते हैं काफी सारे बच्चे आ चुके हैं आई विल जस्ट रिड्यूस माई साइज ऑफ द कैमरा वरना ये बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा है ना तो इसको फटाफट फड़ से एक बार जल्दी से अपन रिड्यूस कर लेते हैं साइज ऑफ द कैमरा एंड देन वी विल कंटिन्यू तो ये हो गया अपना साइज ऑफ द कैमरा रिड्यूस है ना अस गो एंड स्टार्ट आर वी रेडी क्या कहते हो यार हाउ इज द जोश बच्चों जोश हाई है क्या मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो यार यस yes? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो गोइंग टू स्टार्ट एट अकाउंट ऑफ फाइव फाइव फोर थ्री टू एंड वन गो ऑन गाइस आंसर फास्ट and those who have come late to the class you have to go to www.menti.com code aapko use karna hai 145528 whatever topic we have finished till now usi pe hum log aaj menti ka quiz karne wale hain theek hai so topics the questions will be from those only watermelon mila hai acha ji Sir, menti में कैसे आना है जागृति नायक इज asking. बेटा menti के लिए आपको क्या करना है Google पे आप search करो menti. ठीक डॉट कॉम की वेबसाइट खुलेगी बेटर है मेन्टी डॉट कॉम ही सर्च कर लो और वहां पे जाने के बाद दे विल आस्क यू अ कोड टू प्ले दिस क्विज वहां पे आपको कोड रखना है 145528. उसके बाद ये क्विज इधर से स्टार्ट हो जाएगा ओके थ्री टू एंड वन अच्छा क्वेश्चन था ये वाला देखते हैं कितने लोगों ने इसको क्रैक किया है ओके सो करेक्ट आंसर वॉज फाइव वी बाई एटीन फिफ्टी टू पीपल द करेक्ट आंसर बच्चो द टाइम वॉज मोर देन एन एफ आई एम टेलिंग यू देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना था डोंट वरी है ना, छोटा सा न्यूमेरिकल था वैसे यहां पे और कुछ भी नहीं था सो देखो बच्चों ये वीटस्टोन ब्रिज था कितने बच्चों को समझ में आ गया था कि ये वीटस्टोन ब्रिज है टेल मी एवरीवन क्या आपको समझ में आ गया था कि ये वीटस्टोन ब्रिज है ये वीटस्टोन ब्रिज है अब देखो यहां पे एक पॉइंट कनेक्टेड है यहां पे एक पॉइंट कनेक्टेड है बैटरी का राइट right? और बीच में यहां पे फिफ्थ रजिस्टर है करेक्ट हम ब्रिज में एक कंडीशन ढूंढते हैं की ब्रिज हुआ, तो डायगनली है ना रजिस्टर उनका प्रोडक्ट सेम होना चाहिए तो देखो ये फोर और थ्री कितना प्रोडक्ट आएगा ट्वेल्व और इवन इफ यू टेक दिक्स एंड टू इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा ट्वेल्व तो क्या ये बैलेंस्ड वीट ब्रिज था जो कि आपको गिवन था यहां पे यस डेफिनेटली बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज अब बैलेंस वीट स्टोन ब्रिज में दिस एंड दिस विल बिकम इन सीरीज दिस एंड दिस विल आल्सो बिकम इन सीरीज और फिर ये दोनों आपस में पैरल तो जब आप सीरीज में इन दोनों को एड करेंगे तो आंसर आएगा फोर प्लस टू है ना ये सिक्स हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला ये सिक्स प्लस थ्री नाइन तो ये सिक्स प्लस थ्री नाइन हो गया अब नाइन और सिक्स का पैरल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है आर वन आर टू डिड बाई आर वन प्लस करेक्ट वन तो यहां से आप सबसे पहले तो आर इक्ट निकालोगेगा सिक्स इंटू नाइन डिवाइडेड बस इतना करना था आपको है ना सो आई थिंक वेन यू कैलकुलेट इट आर इक्विवेलेंट आएगा एटीन बाई फाइव और फिर करेंट क्या होता है करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट तो पोटेंशियल अपॉन आर इक्विवेलेंट विच इज 18 बाई फाइव ेशन है, है होता है वो आपको याद रखना है यह देखो इस फॉर्म में होता है bridge, जो पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी है ना सो दिस इज नोन एज दिस टाइप ऑफ कॉन्फिगुरेशन इज नोन एज वीट स्टोन ब्रिज और यही हमें गिवेन था यहां पर राइट right? बस आपको बैलेंस अनबैलेंस पता करना होता है फॉर दैट डायगेली ऑपोजिट रजिस्टर शुड बी हैविंग द सेम प्रोडक्ट गॉट इट कोई बात नहीं यार मिस्टेक हो गई तो हो गई ये फाइनल नीट एग्जामिनेशन थोड़ी ना है कोई बात नहीं समझो देखो मेंटी पे जब आप आते हैं ना ऑब्वियसली रैंक्स एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर लेकिन लर्निंग सबसे ऊपर होनी चाहिए है ना आपको लर्निंग करनी है सबसे पहले तो सीखना है चीजों को कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है राइट ओके चलिए तो आगे बढ़े एक बार आपको लीडर बोर्ड दिखा दे जल्दी से और जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं मैं आपको फिर से बता देता हूं आपको जाना है मिंटी डॉट कॉम पे एंड यू हैव टू यूज द कोड वन फोर डबल फाइव टू एट ओके रेनू गर्ग फैन ऑफ जीजी सर ओके थैंक यू थैंक यू थैंक अलॉट करण गुप्ता जी क्या बात है बिल्कुल हिंदी में लिख के आया लड़का साक्षी पीटी बंदूक बहाज साई किरण नमूना ऑफ जी जी वाह ओके okay? कशिश शर्मा नीट ट्वेंटी ट्वेंटी रैंक डोनट रानी प्रिया का ओके आई थिंक शी इज प्रियंका एन यहां से मिस हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आ जाओ बच्चों क्या बात है बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए टू वायर्स ए एंड बी ऑफ सेम एंड मटेरियल द डायमीटर ऑफ ए इज हाफ एज दैट ऑफ द बी इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ट्वेंटी फोर ओम द रेजिस्टेंस ऑफ बी विल बी हाउ मच ओके देखो दो वायर्स हैं दोनों का मास सेम है दोनों का मटेरियल सेम है ए का डायमीटर बी के डायमीटर से हाफ है अगर ए का रेजिस्टेंस 24 है तो बी का रेजिस्टेंस कितना होगा है ना अच्छा क्वेश्चन है यू विल बहुत अच्छे से सॉल्व करना हो जाएगा आपसे ट्राई करो एवरी वन लास्ट फाइव सेकेंड लेफ्ट कम ऑन यस आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है इसका बहुत बढ़िया चलो एटलीस्ट मेजोरिटी ने सही आंसर दिया है बाई द वे डेमोक्रेसी वॉज अबाउट टू अटैक अस बच गए है ना मेजोरिटी ने सही आंसर दे दिया बहुत बढ़िया एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेन ऑल ऑफ यू गुड जॉब एंड लेट मी शो यू द लीडर बोर्ड वंस तो लीडर बोर्ड में क्या कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं एक बार देख लेते हैं सो रेनू गर्ग फैन ऑफ सर इज ऑन द टॉप अभी भी बंदूकबाज आ चुके हैं रेनू ने फास्टेस्ट आंसर भी दिया है अच्छा सॉरी रानी आ गई है सेकंड पे एंड देन बंदूकबाज कोमल सौविक कुमार राणा प्रसाद लवर फैज़ भाई साहब क्या नाम है बताओ आर्यशी एंजल जेके वांट्स टू मीट जी स्क्वायर सर अच्छा बहुत बढ़िया बिल्कुल आप हमारे वेदांत तो, ऑफिस पे आइए मिलते हैं है ना नीट के बाद चलो सो so, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा आपको राइट एक बार जल्दी से आपको इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन है वैसे तो देखो ऐसे क्वेश्चंस ना वैसे टेंथ क्लास में भी करा दिए जाते हैं अगर आप फाउंडेशन के लिए पढ़ते हो आई या फिर नीट के लिए बट हां बार कैसे इसको आप सॉल्व करोगे टू वायर्स ए एंड बी सेम एंड मटेरियल यानी कि उनका रेजिस्टिविटी सेम हो गया उनकी डेंसिटी सेम हो गई राइट कह रहा है डायमीटर ऑफ ए इज हाफ दैट ऑफ बी देखो बच्चों सबसे पहले ऐसे याद रखो कि अगर मास ऑफ वन इज इक्वल टू मास ऑफ तो अगर आप डेंसिटी का फॉर्मुला देखेंगे ये रेजिस्टिविटी नहीं है मास डेंसिटी है तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है है ना तो मास का फॉर्मूला क्या बनेगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी कि मास ऑफ वन को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ वन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ टू इंटू वॉल्यूम ऑफ टू इससे मुझे पता चला कि मटेरियल तो सेम है तो डेंसिटी सेम होंगी डेंसिटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना मटेरियल तो सेम है तो डेंसिटी इक्वल हो जाएंगी रो वन इज इक्वल टू रो टू हो जाएगा जिससे आपको पता चलेगा वी वन इक्वल टू वी टू भी होगा यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी होना चाहिए और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाई एरिया को आप क्या लिखते हैं बच्चों पाई बाई फोर डी स्क्वायर लिखते हो क्या है ना या फिर पाई आर स्क्वायर लिखो या तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर लिखो एक ही बात होती है आर को डी बाई टू तो उसका फोर हो जाएगा नीचे इंटू लेंथ वन इज इक्वल टू पाई बाई फोर डी टू स्क्वायर इंटू लेंथ टू यही तो हुआ अब आपने ये सुना होगा यार बहुत सिंपल सी बात है देखो एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं कि वॉल्यूम का ऑफ एरिया इन लेंथ लिखते हो ना तो ए वन लेंथ इक्वल टू ए टू एल टू यह डी वाला भूल जाओ आप एक सेकेंड के लिए भूल जाओ उसको है ना अब देखो उसने क्या बोला कि ए का डायामी इज हाफ अगर डायमीटर जो है वो हाफ हुआ तो आप लोग बता सकते हो क्या कि एरिया कितने टाइम्स होगा एरिया होगा वन फोर्थ ये कैसे हुआ एरिया का फॉर्मुला क्या होता है पाई डी डी स्क्वायर स्क्वायर है ना यानी कि अगर आप डायमीटर को हाफ करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा वन फोर्थ हो जाएगा और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है और अगर आपने एरिया को वन फोर्थ किया तो लेंथ को फोर टाइम्स करना पड़ेगा बताओ समझ में आ रहा है अगर वॉल्यूम सेम है एरिया मैंने वन फोर्थ कर दिया तो लेंथ मुझे फोर टाइम्स करना पड़ेगा तभी तो वॉल्यूम सेम रहेगा ना ऊपर और नीचे से फोर और फोर कैंसिल हो जाएंगे आई होप यू गॉट माई पॉइंट तो हमें करना क्या था डायमीटर क्योंकि हाफ है ए का वी अंडरस्टूड एरिया होगा वन फोर्थ और क्योंकि एरिया वन फोर्थ होगा लेंथ होगा फोर टाइम्स ठीक है अब इसमें हम लगाएंगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अभी तक तो सिर्फ वॉल्यूम कंजर्व किया है तो पता चला कि एरिया ऑफ ए इज वन फोर्थ एंड लेंथ ऑफ ए इज फोर टाइम्स लेंथ ऑफ बी अब यहां पे आप लिखोगे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि होता है रेजिस्टिविटी हैल्टीप्लाइड बाई एरिया रो एल बाई ए करेक्ट तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कितना मिलेगा आपको देखो इसका लेंथ फोर टाइम्स है तो यहां पर फोर लिख दिया मैंने एरिया वन अपॉन फोर है तो आप देखेंगे ये आएगा इक्वल टू सिक्सटीन ये फोर ऊपर जा रहा है ना बच्चों टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ बी आएगा समझ में आ रहा है आपको एरिया वन फोर्थ है और लेंथ फोर टाइम्स है तो फोर और रेजिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू सिक्सटीन टाइम्स रेजिस्टेंस ऑफ बी तो रेजिस्टेंस ऑफ बी कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ ए अपॉन सिक्सटीन ए का रेजिस्टेंस गिवन है ट्वेंटी फोर अपॉन सिक्सटीन आंसर आ जाएगा वन पॉइंट फाइव आई ना तो ये अच्छा क्वेश्चन था देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लगा जबकि अगर आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत कम टाइम में आपसे हो जाएगा ये बस कुछ शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना जैसे पहला शॉर्ट ट्रिक अगर डायमीटर हाफ है तो एरिया वन फोर्थ होगा वॉल्यूम सेम करने के लिए अगर एरिया वन फोर्थ हुआ है तो लेंथ फोर टाइम्स हो जाएगी तो इतना कुछ लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लोगे तो है ना इट विल सेव सम टाइम चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन वन आई टुक समाइम टू एक्सप्लेन बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है एंड यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस लेट्स मूव अहेड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों आ जाओ है ना ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द करेक्ट वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद इंक्रीजिंग डायमीटर ऑफ एल्युमिनियम वायर आप डायमीटर इंक्रीज कर रहे हो आपको बताना है रेजिस्टिविटी का क्या होगा व्हेन यू इंक्रीज द डायमीटर ओके someone is asking are you in mumbai have you i have see you sir in mumbai really okay nahi main mumbai mein nahi hu aise bangalore mein hu 10 seconds left come on everyone Okay. थ्री टू and वन देखते हैं कितने लोग इस बात को समझ पाए कि यहां पे करना क्या था Oh my God. Correct answer is A, बच्चों अच्छा याद करो रेजिस्टिविटी क्या होती है रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी राइट एवरी क्या वो लेंथ पे डिपेंड करेगा रेजिस्टिविटी नहीं रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पे और एरिया पे बट रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है है ना तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन विच मटेरियल इज देयर ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है क्लास में कि अगर आप कोई मेटल ले लोगे और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है है ना सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी कम हो जाती है तो ये वो वाला टॉपिक था बच्चों रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ इट इज जस्ट अ मटेरियल प्रॉपर्टी तो अगर आप चेंज भी कर देंगे डायमीटर को तो भी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा और इसका मतलब है द ग्राफ विल बी कॉन्स्टेंट है ना ये देखो ऐसा ग्राफ बनेगा आपका ये देखो ये वाला द रेजिस्टिविटी इज नॉट चेंजिंग दो द डायमीटर इज चेंजिंग रेजिस्टिविटी देखो कॉन्स्टेंट है इवन इफ द डायमीटर इनक्रीजेस क्लियर हुआ अच्छा क्वेश्चन था चलिए बहुत बढ़िया एवरी वन लेट मूव अ हेड नाउ एंड लेट सी व लीडर बोर्ड राइट नाउ सो अगेन रेणु इज ऑन द टॉप इट सीम्स देखते हैं ओके सो रेणु गर्क फैन ऑफ जीजी सर इज ऑन द टॉप बहुत बढ़िया प्रसाद रितम डोनट सूर्या राहुल भारद्वाज रानी ड्रेगोनाइट संदीप कमल एंड बंदूक बाज क्या बात है बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है, है तो अच्छा। आपसे है। है, आप पूछ रहे करंट इन द आर्म सी डी ये पॉइंट सी है एंड दिस पॉइंट इज डी तो सी डी में कितना करंट होगा ये बहुत आसान है दिस इज फ्री हिट फ्री हिट में हमें सिक्स तो मारना ही है, है ना एटलीस्ट फोर तो मारो यार कम ऑन गिव योर आंसर फास्ट एंड गिव इट करेक्ट दिस टाइम यू शुड नॉट मेक एनी मिस्टेक बाय द वे ओके एवरीवन आई कैन सी मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर थ्री टू एंड वन टाइम इज अप आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है वाओ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम डेमोक्रेसी आ चुकी है हमारे पास वन एंड हाफ सेंचुरी बन चुकी है है ना 187 क्या नेक्स्ट like, क्वेश्चन में डबल सेंचुरी बन जाएगी हमारी आई एक्सपेक्ट दैट देखते हैं है ना डबल सेंचुरी बन जाए फिर तो मजा ही आ जाएगा तो बिल्कुल सही है बच्चों करंट इन द आर्म सी डी विल बी आई वन आई टू प्लस आई थ्री और कौन सा लॉ लगाना है आपको क्रिच ऑफ जंक्शन लॉ जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ जो भी आप कह लो देखो फ्रॉम हियर आई टू करेंट इज कमिंग तो यहां से आई टू करंट आ गया फ्रॉम हियर आई थ्री अमाउंट ऑफ करंट इज कमिंग एट दिस पॉइंट दे विल बी एडेड है ना टोटल करंट कमिंग इन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग आउट बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन था एंड यू गाइस हैव इट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उससे पहले एक बार जल्दी से लीडर बोर्ड देख लें फिर से है ना डू यू नो कन्नड़ा आई एम ट्राइंग टू लर्न इट बट राइट नाउ आई डोंट नो या सात्विक रेनु इज ऑन द टॉप अगेन प्रसाद रितम ड्रेगोनाइट रानी गिज रॉकी भाई अरे वाह वाहराज शर्मा हरिबोल एंड सौम्या बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एवरी वन गुड टू सी यू ऑल ऑन द लीडर बोर्ड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आ जाओ यार नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज दिस किस्ट लॉ दैट इज समीशन ऑफ करेंट इज जीरो जंक्शन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्री हिट है ना बिल्कुल फ्री हिट है क्या ये क्वेश्चन भी हमारे लिए चलिए देखते हैं कितने लोग इस पर सिक्स मारते हैं टारगेट है हमारा इस बार 200 का ठीक है टू हंड्रेड करेक्ट ऑप्शन एटलीस्ट वी वॉन्ट लेट एस सी इफ वी कैन गेट मोर देन दैट जो बच्चे देर से आए हैं बाद में सेशन ज्वाइन किया है यू हैव टू गो टू डब्ल्यू और आपको वहां पे कोड पूछा जाएगा क्विज के लिए आपको यूज करना है वन फोर फाइव फाइव टू एट अरे वाह टू हो गया यार हमने टू हंड्रेड एक्सपेक्ट किया था टू सेवेंटी टू हो चुका है बहुत बढ़िया एवरीवन चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है मैंने आपको पढ़ाया भी था ये है ना तो किर्चॉफ्स का फर्स्ट लॉ यानी कि जंक्शन लॉ ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है लेकिन अगर आप सेकेंड लॉ की बात करेंगे यानी कि वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ वो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन पे ठीक है कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है लूप उस पर बेस्ड है वो चलिए बहुत बढ़िया एवरी वन गुड जॉब गुड जॉब आगे बढ़ते हैं सो दिस इज द लीडर बोर्ड नाउ एंड मी सी हैज इट चेंज स्लाइटली और इज इट सेम तो थोड़ा बहुत ही चेंज आया राशि इज द न्यू एडिशन हियर राणा टेगरीना

अगली बार 300 पार ये सही है मनन बिल्कुल सही अ सेल वोल्ट अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से करना एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 पॉइंट वन ओम इज कनेक्टेड विथ अ रजिस्टर ऑफ थ्री पॉइंट नाइन ओम वोल्टेज अक्रॉस सेल टर्मिनल इज ओके शिल्पी इज आस्किंग सर यू आर नेटिव फ्रॉम विच प्लेस इट इज रायपुर ओके छत्तीसगढ़ बट नाउ आई फैमिली रिसाइड्स इन डेली आल्सो सो ओके या कमांड 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 एवरीवन आंसर इट फास्ट इलेवन सेकेंड्स लेफ्ट अच्छा क्वेश्चन है आई विल गिव यू नाइस एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बट लेट मी सी हाँ मुझे लगा था कि थोड़ा तो यहां पे प्रॉब्लम होगी बट फिर भी ठीक है एटलीस्ट द मेजोरिटी इज विथ है ना ठीक है ठीक है चलेगा वन जीरो सिक्स सेंचुरी बन गई यार कोई बात नहीं अपना अपना बैट ऊपर कर दो एक बार जल्दी से है ना वो करते हैं ना क्रिकेट में सेंचुरी बन चुकी है हमारी बहुत बढ़िया आ जाओ देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे राइट सो so, uh, बहुत आसान है लर्न दिस मेथड बेसिकली और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ही सीज देर इज एन ई एम एफ ऑफ टू वोल्ट यहाँ पे टू वोल्ट आप ड्रॉ कर लो

तो उसके आउटसाइड उसके दोनों तरफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दिस इज वॉट दे आर आस्किंग वोल्टेज अक्रॉस द पॉइंट अब देखो कैसे निकालोगे आप सबसे पहले तो ये याद रखना दिस 0.1 पॉइंट वन एंड दिस थ्री पॉइंट नाइन आर कनेक्टेड इन सीरीज तो टोटल आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज हाउ मच जीरो पॉइंट वन प्लस थ्री पॉइंट नाइन फोर ओम है ना थ्री पॉइंट नाइन प्लस पॉइंट वन इज फोर फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन फाइंड आउट द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी वी अपॉन आर और पोटेंशियल कितना है देखो टू वोल्ट आर है फोर ओम जीरो पॉइंट फाइव एमपीआर करंट फ्लो होगा क्या बच्चों है ना जीरो पॉइंट फाइव एमपी करेंट फ्लो होगा यहां पे सर्किट में अब यहां पे आपसे क्या पूछा गया करंट नहीं पूछा गया है आपसे पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू पॉइंट ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक चीज हमेशा याद रखना बिकॉज दिस इज अ प्लेन वायर दिस पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल आर इक्वल एंड सेम लॉजिक ये वाला पोटेंशियल और ये वाला पोटेंशियल भी इक्वल है प्लेन वायर में पोटेंशियल सेम रहता है तो इसको मैं ऐसे सॉल्व करता हूं कि वाई डो वाई कैलकुलेट अक्रॉस द सेल लेटस कैलकुलेट पोटेंशियल अक्रॉस थ्री पॉइंट नाइन ओम रजिस्टर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस सेल के अक्रॉस भी होगा क्योंकि पैरेलल है ना वो मतलब यहां का पोटेंशियल इज इक्वल टू यहां का पोटेंशियल यहां का पोटेंशियल इज इक्वल टू यहां का पोटेंशियल आप ऊपर से डिफरेंस कैलकुलेट करो या फिर नीचे से डिफरेंस कैलकुलेट करो एक ही बात है तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 3.9 पोटेंशियल विल बी आई इन टू आर करेंट इज जीरो पॉइंट फाइव आर इज थ्री पॉइंट नाइन आई थिंक इट इज वन पॉइंट नाइन फाइव वोल्ट तो यहां से निकाल लिया अब वही वन पॉइंट नाइन फाइव वोल्ट यहां पर भी होगा ठीक है या फिर एक और तरीका होता है पोटेंशियल डिफरेंसेस ई माइनस आई आर आप फॉर्मूला याद रख लीजिए जहां पे ये स्मॉल आर क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल तो सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ई एम एफ विच इज टू वोल्ट माइनस आई इन टू आर तो आई कितना है जीरो पॉइंट फाइव और आर कितना है जीरो पॉइंट वन इसको जब आप सब करोगे पॉइंट जीरो फाइव है टू माइनस पॉइंट जीरो फाइव विल बी इक्वल टू वॉट वन पॉइंट नाइन फाइव इससे भी कर सकते हैं दोनों फॉर्मुला याद रख लो दोनों से किसी से भी आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए बहुत बढ़िया एवरी वन लेटस मूव अहेड नाउ देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। यार देखो द सोल्यूशन आर वेरी 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 डिटेल्ड इन माई क्लासेस है ना आई मे टेक सम टाइम टू एक्सप्लेन थिंग्स बिकॉज वेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर आपके लिए ज्यादा अच्छा है है ना तो सबको समझ में आ गया क्या सॉल्यूशन इफ यस देन गिव मी अ स्माइली आई वांट टू सी दैट स्माइली इन योर चैट बॉक्स कम ऑन एवरीवन एक्सप्लेनेशन इज इजी पीजी क्या बात है बहुत बढ़िया ड्रैगन आइट हैज कम टू द टॉप नाउ रॉकी भाई हरी बोल हरिबोल राणाट्रीना सौम्या आई पार्थ कृष्णा ओके okay. राशि रितम अंजलि एंड रेनू गर्ग चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन वेरी नाइस गुड टू सी यू ऑलोलिंग smiling. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करें हां जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कम ऑन एवरी वन ओके द करंट इन द गिवन सर्किट इज देखो एक सर्किट आपको गिवन है यहां पे आपके पास 10 ओम का रेजिस्टर है यहां पे 5 वोल्ट यहां पे 2 वोल्ट और यहां पे 20 ओम आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट ओके चलिए बताइए एवरीवन वन ने लगता है मेरी बात पकड़ लिया ना स्माइलिंग बोल रहा था यार मैं गलती से स्मोलिंग निकल गया था ओके फाइव सेकेंड्स मोर

कैसे सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को विदाउट केवीएल देखना ध्यान से आप ठीक है अगर आप देखोगे ना कोई भी बैटरी जो होती है एनी बैटरी इट ट्राइज टू इंड्यूस करेंट आई मीन फ्लो द करेंट इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल मतलब अगर एक ऐसे सर्किट बना लोगे आप है ना तो आप देखोगे ये बैटरी पॉजिटिव से करंट बाहर निकालेगी ये करंट ऐसे बाहर से घूम के वापस नेगेटिव पे आ जाएगा है ना सो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल करंट फ्लोस टुवर्ड्स द सर्किट तो इस वाले बैटरी से करंट इधर फ्लो होने की कोशिश करेगा है ना कोशिश करने की बात कर रहा हूं मैं और इस वाले बैटरी से इधर राइट कैन आई से कि बोथ द करेंट्स विल ट्राई टू फ्लो करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन देख लो एक बार ध्यान से यार फाइव वोल्ट देखो इधर करंट बहाने की कोशिश कर रहा है है ना क्लॉकवाइज बट टू वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज इससे मुझे यह पता चला कि दोनों एक दूसरे को ऑपोज कर रहे हैं क्या कर रहे हैं एक दूसरे को ऑपोज कर रहे हैं जब दो सेल्स एक दूसरे को अपोज करते हैं तो आप यहां पे कह सकते हो इस सर्किट में ई एम एफ आई मीन ई ईक्ट विल बी थ्री वोल्ट क्योंकि 5 -2 कर लो वोल्ट आ जाएगा है ना सो थ्री वोल्ट की बैटरी लगा दो आप रिप्लेस करके क्योंकि एक सिंगल सर्किट है सीरीज कह सकते हैं आप इसको है ना और फिर ये 20 ओम और 10 ओम दोनों सीरीज में क्योंकि सेम ही तो करंट फ्लो होगा पूरे सर्किट में है ना पूरे सर्किट में एक ही करंट तो फ्लो होगा सो so, ये हो गया 20 प्लस टेन यानी कि 30 तो 3 वोल्ट और 30 ओम तो करंट कितना होगा 3 बाई थर्टी पॉइंट वन शॉर्ट ट्रिक है ये दिस इज शॉर्ट ट्रिक अदरवाइज यू विल हैव टू राइट माइनस प्लस प्लस माइनस फॉर एवरीथिंग देन यू विल अप्लाई केवीएल देन यू विल सॉल्व इट इतना करने की जरूरत नहीं है अगर आपको दिख रहा है कि सिर्फ एक ही लूप आपको गिवन है ऐसा है ना जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन है देन यू कैन डेफिनेटली से ना कि सेम करंट विल भी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एक ही करंट फ्लो होगा एक ही सिंगल डायरेक्शन में बट दीज बैटरीज आर ट्राइंग टू फ्लो करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन सो दे आर ऑपोजिंग इच अदर सबसे पहले ई इक्विलो इफ द बैटरीज वे आर ट्राइंग टू फ्लो करंट इन सेम डायरेक्शन तो आप एड कर देते ई एम एफ को क्योंकि वह ऑपोजिट नहीं सेम डायरेक्शन की बैटरी हो जाती है ना चलिए बहुत बढ़िया एवरी वन लेट मी शो यू द लीडर बोर्ड नाव ओके इट वॉज एन ईजी वे टू सॉल्व राइट चलिए बहुत बढ़िया सो दिस इज द लीडर बोर्ड एंड आई कैन सी ड्रैगोनाइट टॉप पे है हरी बोल हरी बोलते बोलते एकदम ऊपर आ चुके हैं राणा आई पार्थ साहिल जय श्री कृष्णा क्या बात है रॉकी भाई सुदीप द हसलर एंड सोविक कारमाकर बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वन कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन एंड दोज हु हैव ज्वाइंट लेट वन फोर डबल फाइव टू एट इज द कोड फॉर मेंटी गो टू डब्ल्यू 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 डॉट मेंटी डॉट कॉम एंड यूज द कोड वन फोर डबल फाइव टू एट ओके थैंक यू थैंक यू रित्विमा कम एवरी वन आंसर करिए कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ ये तो बहुत आसान है फ्री हीट अगेन रेजिस्टेंस इंडक्टेंस रिलक्टेंस कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस जो है वो किसका रेसिप्रोकल है ओके हां टाइम इज अप चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया वाह बहुत बढ़िया 274 ऑसम awesome बच्चों

विथ राइज इन टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स आई मीन ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत है एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ प्योर मेटल्स वट द रेजिस्टेंस ओके विथ राइज इन द टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस बेटा बीच में कुछ लाइन मिसिंग है बट आप समझ गएगे मेरे ख्याल से है ना विथ राइज इन टेम्परेचर व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स increases decreases first increases then decreases remain same बताइए रेजिस्टेंस का क्या होगा इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज रिमेन सेम क्या आंसर है थ्री टू एंड वन टाइम इज अप आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर दिया है टू वन जीरो क्या बात है डबल सेंचुरी है ना बैट ऊपर कर देंगे सब लोग अपना बहुत बढ़िया एवरी वेरी नाइस गुड जॉब प्योर मेटल के केस में यानी कि कंडक्टर के केस में एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टेंस विल इनक्रीज लेकिन इफ इट इज सेमी कंडक्टर दैट यू विल स्टडी इन द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ उसके उल्टा होता है इफ़ यू इंक्रीज देश चलिए बहुत बढ़िया एवरी वन लेटस मूव अहेड नाव एक बार जल्दी से लीडर बोर्ड देख लो दो फ्री हिट के बाद देखते हैं कौन कौन टॉप पे आ चुका है एंड बच्चों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को देन प्लीज डू दैट राइट अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन इफ यू आर एंजॉइंग इट ड्रेगोनाइट सबसे ऊपर आ चुके हैं क्या बात है राना टिग्रीना मतलब क्रीचर्स का जलवा है भाई सबसे ऊपर ड्रैगन उसके ऊपर मेंढक उसके नीचे हरी बोल बहुत बढ़िया फिर है आई पार्थ कृष्ण डिवोटिस रॉकी भाई फास्टेस्ट आंसर दिया रॉकी भाई ने सुदीप जय श्री कृष्णा सौम्या रेणु गर्ग वापस आ चुकी हैं लीडर बोर्ड में राशि चलिए बहुत बढ़िया एवरीवन गुड जॉब आगे बढ़े है ना लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ Answer fast, everyone. Come on. If you have joined late, then go to www.mente.com Use the code 145528 to play this amazing quiz. You have to replace 1500 ohm resistor in your circuit. You have no 1500 ohm resistor, sad, but have several thousand ohm resistors. How would you connect them? How would you connect the thousand ohm resistors? सो दैट यू कैन गेट अ फिफ्टीन हंड्रेड ओम रेजिस्टेंस फाइनली ओके टेन सेकेंड्स बाकी हैं आई होप आप लोग अच्छा कर पाओगे फटाफट कर लो एवरी वन थ्री टू एंड वन द टाइम इज अपू जीरो नाइन फिर से डबल सेंचुरी वाओ इसमें मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बट ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया बहुत बढ़िया एवरी देखो इसका एक्सप्लेनेशन वैसे तो जरूरी नहीं है बट स्टिल आई गिव यू वेरी क्विक एक्सप्लेनेशन फॉर दिस आई हैव टोल्ड यू वन थिंग बच्चों जब दो रजिस्टर्स को जो इक्वल रजिस्टर्स को पैरल में कनेक्ट करते हैं ना तो आर इक्लेंट हो जाता है आर अपॉन टू मेरे कहने का मतलब है अगर आप आर ले लो यहां पे मैंने पढ़ाया था आपको ये पहले है ना आर ले लिया और आर ले लिया दोनों को पैरल में कनेक्ट किया तो हाफ हो जाता है आर इक्लेंट तो ये थाउजेंड और थाउजेंड को सबसे पहले तो आप पैरल में कनेक्ट कर दो राइट जब आप पैरल में कनेक्ट करोगे तो इसका आर इक्ट कितना बन जाएगा 500, आर टू. अब इस 500 को आप कनेक्ट कर लो एक और सीरीज में थाउजेंड के साथ बिकॉज थाउजेंड तो आपके पास बहुत सारे हैं है ना सो so, क्या कनेक्ट करना पड़ा दो थाउजेंड इन पैरल एंड एक थाउजेंड इन सीरीज तो फाइनली योर डायग्राम वुड बी लाइक दिस और इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड ये देखो ये भी थाउजेंड है ये भी थाउजेंड है और ये भी थाउजेंड है ठीक है सो आंसर विल बी फिफ्टीन हंड्रेड तो बी इज द करेक्ट आंसर टू इन पैरल वन इन सीरीज राइट चलिए बहुत अच्छे बट आई एम रियली हैप्पी कि मोस्ट ऑफ यू हैव एक्चुअली गिवन द करेक्ट आंसर ओके सो चलिए देखते हैं लीडर बोर्ड में क्या चल रहा है अभी सो so, लीडर बोर्ड में यू कैन सी ड्रैगोनाइट अभी भी टॉप पे हैं राणा टिगरीना हरिबोल रॉकी भाई सुदीप जय श्री कृष्णा सौम्या रेणुगर ऊपर आ रही है धीरे धीरे वेरी नाइस आई पार्थ एंड अखिल फ्रॉम इंडिया वाव बहुत बढ़िया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है इफ यू नो दिस फैक्ट यू विल बी एबल टू आंसर इट आयरन सिल्वर कॉपर कार्बन में Which is the द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके कमान देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं सही आयरन सिल्वर कॉपर एंड कार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इतनी डबल सेंचुरी तो सचिन ने भी नहीं मारी हुई अरे अभी तो हम ट्रिपल भी मारेंगे है ना सही है सही है जैफा तो देखते हैं टाइम इज अबाउट टू बी अप तो समय है एक और डबल सेंचुरी का नहीं डबल सेंचुरी से थोड़ा हम पीछे रह गए सिल्वर और कॉपर में लोग ज्यादा कंफ्यूज थे बेटा सिल्वर है सिल्वर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस राइट एंड कार्बन तो सेमीकंडक्टर होता है इट इट इज फाउंड इन द सेमीकंडक्टर वाला ग्रुप इफ यू सी द पीरियोडिक टेबल बाय द वे ठीक है सिल्वर याद रखना आप लोग ठीक है कोई बात नहीं

Two resistors are said to be connected in series when same current passes through them, same potential difference occurs, total current equals to the sum of the branch of currents, sum of IR drops equals to the applied EMF. ये तो बहुत आसान है यार, come on. इसमें जो गलत आंसर देगा, उसको हमलोग award देंगे, ठीक है? <laughs> ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है मतलब कमन कमन एवरी वन फाइव मोर सेकेंड लेफ्ट थ्री टू एंड वन द टाइम इज अप अपू एटी ट्रिपल सेंचुरी होने वाली थी यार ये फोर्टी टू लोग अगर इधर दे, दे देते आंसर तो हमारा ट्रिपल सेंचुरी बन जाता आज है ना खुश हो जाते हैं हम चलो कोई बात नहीं आज डबल सेंचुरी से काम चलाते हैं नेक्स्ट uh, क्लास में पक्का हम ट्रिपल सेंचुरी बनाएंगे ठीक है सो नाउ द ट्वेंटी ट्वेंटी वन बैच वीकली टेस्ट बच्चों एक वीक में पढ़ाऊंगा आई विल ट्राई टू टेक मेंटी आई होप यू एंजॉय दिखाना है आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था बट एक बार लीडरबोर्ड देख लेते हैं है ना सो so, आ जाओ ये लीडरबोर्ड है दिखते हैं फाइनल किसने बाजी मारी है आई होप कोई ह्यूमन हो नॉट सम्रैगन <laughs> ड्रैगन ही निकला बिल्कुल है ना सो so, ड्रैगन ने बाजी मार ली है भाई टेन थाउजेंड वन जीरो सेवन के साथ सारे ह्यूमन बींग्स को पीछे छोड़ते हुए अपने मुंह से आग निकालते हुए पूरा इसने किल कर दिया सबको चलो बहुत बढ़िया <laughs> चलिए अच्छी बात है गुड जॉब एंड लेट मी शो यू द फाइनल फ्यू नाउ बच्चों क्रैश कोर्स 2020 वाले बच्चों ज्वाइन कर लो आप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एंड बच्चों अगर आपको सेशन पसंद आया है अगर आपको सीखने को मिला है तो फाइनली लाइक करके जाना आप लोग ओके okay? और कोई आपका जनरल डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स आई विल रीड यूर चैट सर यू मेड फिजिक्स ईजी फॉर अस थैंक यू फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेन थैंक यू थैंक यू शिल्पी आई एम ग्लैड टू नो दैट यस कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू फीलिंग सो गुड नाव क्या बात है बहुत बढ़िया एलिंगन चलिए सो नाउ एवरी वन वी विल हैव टिन्यूअस क्लासेस राइट रेगुलर क्लासेस अब तो केमिस्ट्री होने वाला है सो टूडे नाइन थर्टी पी एम यू हेमिस्ट्री क्लासो राइट डॉट फोर्गे तो बिल्कुल सब जगह सबको बता दो दैट दिस इज वॉट यू आर गोइंग टू डू नाव एंड अब आप रुकने वाले नहीं है ट्वेंटी ट्वेंटी वन वाले बच्चे राइट इन दिस चैनल नाउ यू आर गोइंग टू गेट कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स थ्रू आउट द ईयर और हम लास्ट तक साथ नहीं छोड़ते हैं आप देख भी रहोगे जो 2020 के बच्चे हैं ना 2020 स्टूडेंट्स वी हैव नॉट लेफ्ट देम जस्ट बिकॉज वी कंप्लीटेड द सिलेबस अभी तक हम उनको कंटेंट देते आ रहे हैं राइट सो दैट इज व्हाट विल बी डन टू यू एज वेल बच्चों। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को जुड़ जाओ हमारे साथ और इस जर्नी में मजे करेंगे एंड तक ठीक है और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे सिलेक्शन लेंगे चलिए बाय एवरी सो सी यू सून कल के टॉपिक में हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इन द 2021 बैच जो कि फ्राइडे को होगा है ना बाय गाइस सी यू सून अ नाइस डे